जिला कांगड़ा के पटवार सर्कल रानीताल में एक पटवारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस धर्मशाला की टीम ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पटवारी कुलदीप कुमार ने जमीन का ततीमा देने को लेकर किसी व्यक्ति से 5,000 रिश्वत मांगी थी। व्यक्ति ने मामले की शिकायत विजिलेंस में कर दी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने टीम का गठन कर जाल बिछाकर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि एसपी विजिलेंस अरुण गुप्ता ने की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। शिकायतकर्ता रविंदर सिंह सपुत्र भगवान दास निवासी रानीताल ने बताया कि उक्त पटवारी कुलदीप कुमार उसकी जमीन के रास्ते के लिए ततीमा काटने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहा था तथा पहले भी जमीन के कार्य के दौरान अक्सर तंग करता रहता था। इससे परेशान होकर इसकी शिकायत विजिलेंस धर्मशाला में की थी। हमारे पास धर्मशाला में शुक्रवार को शिकायत आई थी। यहाँ के एक रविंदर सिंह है, यहाँ पे रानीताल के निवासी। उनकी शिकायत आई थी कि उनकी जमीन है रानीताल में और उसके लिए रास्ते के लिए उन्होंने पटवारी से प्रतिमा कटवाना था जी। तो उसके प्रतिमा काटने के बदले में जो पटवारी द्वारा रिश्वत के 5,000 रुपए की मांग की गई थी जी, जिस पर आज हमने और आज सोमवार का टाइम दिया था इन्होंने प्रतिमा काटने के लिए और पैसों के साथ आने के लिए जी। तो जिस पर आज हमने यहाँ पे ट्रैप बिछाया, उसको रिश्वत के 5,000 की राशि के साथ भेजा था जी। और रिश्वत की राशि के साथ 5,000 की राशि के साथ आज पटवारी को हमने रंगे हाथों पकड़ा है। सर क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम कुलदीप कुमार है। सर यहाँ पे कानगो भी मेरे ख्याल आए हुए थे दौलतपुर से, उनका भी था कोई रोल उसमें या नहीं? कानून का कोई रोल नहीं था। पहले हमें शायद डाउट शक था कि शायद दोनों पटवारी और कानून को आपस में पैसे बांट लेंगे, लेकिन कानून को ने कोई पैसे नहीं लिए और वो वहाँ से चले गए थे। मतलब पटवारी को आपने रंगे हाथों पकड़ा।